बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग धरती धड़िन के चवंदासी, सभी धरती धड़ी जेके असां के इन टाइम ॾिसी रहिया आहिनि, तव्हां सभिनी खे वेलकम चवंदासीं। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम धरती जो सुबुह ऐं मां सहर शरीज़वी तव्हां सां ॿीहर जे गॾु आहियां। इहा ख़ुशकिस्मती आहे त तव्हां सां असां गॾु आहियूं ऐं मोहबतुनि जो ई जेको सफ़र आहे, हीअ जेका ॾे वठि आहे, इहा हमेशह दुआ आहे त जारी रहे ऐं तव्हांजो प्यारु असां ईअं ई असांखे मिलंदो रहे। ऐं असां सच्ची ॻाल्हि इहा आहे त प्रोग्राम जेके बि कंदा आहियूं न, कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त अहिड़ा प्रोग्राम कजनि जंहिंसां अञा वधीक मुहबत तव्हांजी असांखे मिले ऐं अञा वधीक काराइता माण्हू, काराइता प्रोग्राम्स, ज़बरदस्त प्रोग्राम्स जंहिंसां कुझु न कुझु सिखी, कुझु न कुझु पढ़ाए सघिजे, उहे प्रोग्राम असां कंदा रहूं। ऐं नाज़रीन, अॼु वारो प्रोग्राम जेको ॾाढो ख़ासि आहे, ॾाढो स्पेशल आहे। अॼु बि असां गुफ़्तगू जेका आहे ज़बरदस्त महिमाननि सां कंदासीं, ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हूंदियूं, सेगमेंट्स हूंदा आहिनि प्रोग्राम में, कोशिशि इहा ई कंदा आहियूं त सुठा प्रोग्राम्स तव्हांजे लाइ कयूं। ऐं गॾु ॿियो अॼु मां जेका गुफ़्तगू, जेका ॻाल्हि ॿोल करणु चाहियां पई, उहा इन शइ ते करणु चाहियां पई, ओवरकम शयुनि खे कीअं कजे। ज़िंदगी में खोड़ प्रॉब्लम्स, शयूं, मसला, ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि, थींदियूं रहंदियूं आहिनि। कॾहिं तव्हां कंहिं शइ में फेल थी वेंदा आहियो, कॾहिं ईअं थींदो आहे त तव्हां को एक्सपेरिमेंट कंदा आहियो, को तजुर्बो कंदा आहियो, उहो कामयाबु नाहे वेंदो। ऐं कॾहिं ईअं थींदो आहे त असां ॾाढी सुठी प्रिपरेशन कंदा आहियूं के मक़सद खे हासिलु करण जे लाइ, को कमु करण जे लाइ, उन में असां पूरा नाहियूं पई सघंदा, त उन में मायूस न थियणु खपे कॾहिं बि इंसान खे। कोशिशि इहा कजे त तव्हां मायूस न थियो, बल्कि पंहिंजी जॻह ठाहियो, मुख़्तलिफ़ शयूं जेके आहिनि पंहिंजी ज़िंदगी में कंदा रहो, मुख़्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स कंदा रहो। ऐं उहो सुठो हूंदो आहे त तव्हां एक्सपेरिमेंट्स जॾहिं कंदा आहियो, अञा सिखंदा आहियो, ऐं कोशिशि इहा ई कंदा कयो त मायूस न थींदा कयो। ऐं जेका बि तव्हां प्रिपरेशन कयो था, जंहिं शइ में तव्हांखे फेल्यूर मिले थो, त फेल्यूर खे मां चवंदी आहियां त सक्सेस जो ई हिसो सम्झणु घुरिजे। जॾहिं असां कंहिं शइ में फेल थींदा आहियूं त उनजो मक़सदु इहो आहे त असां कामयाबी जी तरफ़ वञूं था, छो त उन मां असांखे सिखण जे लाइ कुझु न कुझु मिलंदो आहे। त हमेशह तव्हां जॾहिं बि सक्सेस ॾांहुं वञो त फेल्यूर खे फेल्यूर न सम्झंदा कयो, बल्कि सक्सेस जो ई हिसो या इनिशियल स्टेट जेका मां चवां उहा सम्झंदा कयो। ऐं ॿियो वरी मसला जॾहिं ज़िंदगी में हूंदा आहिनि न, पोइ असां जाम परेशान थी वेंदा आहियूं ऐं असां सोचींदा रहंदा आहियूं त हीअ शइ सही न आहे, त ॿियो ॾींहुं असांजो जेको आहे न, उहो बि असांखे अपसेट ई रहणो आहे। अॼु मूंसां हीउ मसलो थियो आहे त सुभाणे बि मां अपसेट हूंदसि, त अपसेट न थींदा कयो। कोशिशि इहा कयो त तव्हां ख़ुशि रहो ऐं ओवरकम कयो शयुनि खे। इंसान जे दिमाग़ खे अलाह साईं इहा कुवत हिकिड़ी ॾिनी आहे त तव्हां ओवरकम करे सघो था शयुनि खे ऐं उन्हनि खां अॻिते सोचे सघो था। मिसाल जे तौर ते तव्हां अगरि हिकिड़े ॾींहुं परेशान आहियो कंहिं बि सबब जे करे, तव्हां ज़रूरी नाहे त ॿिए ॾींहुं उन खे ई तव्हां पंहिंजे दिमाग़ ते हावी रखो, उदासी वारा गाना ॿुधो, उदासी वारी शायरी ॿुधो, त इहा शइ न कंदा कयो जेका तव्हांखे डिस्टर्ब रखे। कोशिशि कंदा कयो त ज़हनी सिहत जेका आहे तव्हांजी, उहा हर शइ खां वधीक अहम आहे, इम्पोर्टेंट आहे, त ज़हनी सिहत जेका आहे उन ते पंहिंजी ते कमु कंदा कयो। ऐं कोशिशि इहा ई कंदा कयो हमेशह ज़िंदगी में, त कुझु बि थी वञे, केतिरा बि प्रॉब्लम्स हुजनि, पहाड़ जेतिरा मसला हुजनि न, पोइ बि तव्हां शुक्र अदा कंदा कयो। ऐं इन सां तव्हांजी ज़हनी सिहत सुठी रहंदी आहे। ज़हनी सिहत जॾहिं इंसान जी सुठी हूंदी आहे त तव्हांजी जिस्मानी सिहत बि सुठी हूंदी आहे, तव्हां स्पिरिचुअली बि सुठो महसूसु कंदा आहियो। असांजे ज़हन ते, असांजे माइंड ते, असांजे दिमाग़ ते असांजी इंसान जी सिहत डिपेंड करे थी ऐं असांजी ज़िंदगी बि डिपेंड करे थी। त अॼु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कंदासीं इनशाला, पर ज़हनी सिहत जे हवाले सां इहो चवंदसि त ज़रूरी आहे त तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो। जॾहिं तव्हां ख़ुशि हूंदा न, त आसे पासे वारा माण्हू ख़ुशि रहंदा। त हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ जेके असांजा महिमान आहिनि, स्पेशल जेके असांजा गेस्ट आहिनि, उहे असांखे जॉइन कंदा। सफ़ा नंढो ब्रेक ऐं स्टेज विल बी राइट बैक। भलकार चवंदासीं, वेलकम बैक चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी धरती धड़िन खे। जेके आहिनि असांजा जेके महिमान आहिनि उहे असांजे अंगण ते अची चुका आहिनि, त उन जे तारीफ़ बि कराईंदासीं तव्हां सां ऐं ज़बरदस्त अॼु ॻाल्हियूं कंदासीं उन्हनि सां। ऐं सभु खां अॻु में तव्हांखे ॿुधायां नाज़रीन, जेका पर्सनैलिटी, जेकी शख़्सियत असां सां गॾु आहे, उहा औरतुनि जे हवाले सां ॾाढो कमु करे रही आहे, ॾाढो सुठो कमु करे रही आहे वुमन चेंबर्स में। तव्हांखे ॿुधायां त सिंध ऐं बलोचिस्तान जे हवाले सां FPCCI में वुमन कोऑर्डिनेटर बि आहे ऐं ॾाढो ज़बरदस्त हिननि जो कमु आहे। बिज़नेस वुमन बि हिन खां अलावा रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। ऐं वेलकम चवंदासीं ख़ालिदा मिर्ज़ा ख़ान खे। अस्सलामु अलैकुम।
कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत मशहूर हूँ, आप हमारे साथ हैं। नाजरीन भी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, असान न्याणियों के खंभ घटना है पान के प्रूफ कंद रहन थी टाइम से गुड मुख्तलिफ़ फील्ड ऑफ लाइफ में तुसो तो हर फील्ड में हाँ तोकर नजर इंदियन सिंध के पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कद नजर इंदियन इमर्जिंग आर्टिस्ट है, इमर्जिंग टैलेंट है सिंध जो, तो इनके वेलकम चंदी कोमल नाज असलकुम कोमल अलहमदिल्ला ठीक आया। थैंक यू सो मच तुम अस आओ नाजरीन असि सत असि टीम सी अस होंगी है स्क्रीन से तो मैं नजर इंदी आया लाजो भाई तक नजर इंदा पर हूँ सी सत होंगी है। असलकुम लाजो भाई कि आ थैंक यू लाजो भाई तुम असा गड आयो है लाजो भाई वो प्रोग्राम ढा इंजॉय कहें जैमें अस गेस्ट अचन गेस्ट हुजन सिंगर्स तो लाजो भाई के सुठो लग है क्योंकि अपने जैसे लोग पसंद होते हैं लोगों को मेरे पास तो एक सिंगर मौजूद होता है जो मेरे अंदर हाँ, एक हाँ, सिंगर है हाँ, तो लेकिन वो साथ फिर कोऑर्डिनेशन हो जाती है ना नए नए सिंगर्स आते हैं बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ऑन द स्पॉट हम वो ट्यूनिंग वो कंपोजिशन सारी आप देख रहे होते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि सिंगर को जो ना साथ लेकर चलना पड़ता है हाँ दोनों जरूरी है म्यूजिशियन है सिंगर्स जो उन्होंने साथ घुराड़ो जरूरी होंगे कोऑर्डिनेशन सुठी होंगी तरह ही सुठो म्यूजिक जो प्रोड्यूस है जबरदस्त पर्सनैलिटीज कचहर जबरदस्त थे वाली पर खोड़ सवाल है दिमाग में खालिद मैम का पैर पूछंदस कैसी हैं आप क्या क्या मसरूफियात हैं क्या क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बस मसरूफियत के साथ ज़िंदगी गुजर रही है और अल्लाह का शुक्र है कि इंसान किसी अच्छे काम के लिए मसरूफ़ रहे हाँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा करूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब काम कर पाते हैं हम कोशिश हमारी होनी चाहिए। अभी मैं फेडरेशन FPCCI में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेटर वुमेन कोऑर्डिनेटर फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान हमारे जितने भी वुमेन चेंबर हैं हमारे चार इस वक्त कराची में हैं और बाकी बलूचिस्तान में क्वेटा में दो चैम्बर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो इश्यूज़ होते हैं तरह तरह के और ऑल वुमेन एंटरप्रेनर्स आर देयर देयर मेंबर्स ना तो उनके सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो मुझे देखने होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सॉल्व कर सकूँ उन्हें और सॉल्व क्या होता है कि उन्हें फैसिलिटेट करना चूँकि हमारी वुमेन पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त 52% ऑफ पॉपुलेशन इज़ वुमेन फीमेल तो अगर ये 52% ऑफ द पॉपुलेशन अगर ये काम नहीं करेंगे बाहर नहीं आएंगे हेल्प नहीं करेंगे अपनी फैमिली को इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए अपने मर्द हजरात को अपने वालिद हैं हस्बैंड हैं बेटे हैं तो उनके हमारे मर्द हजरात पर बड़ा बर्डन पड़ जाता है क्योंकि आजकल हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं मटीरियलिस्टिक टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ये टाइम पीरियड ही ऐसा है कि आज आपको ये चीज़ है तो कल आपको इससे बेहतरीन चाहिए उससे बेहतरीन चाहिए तो इसीलिए औरतों का साथ होना ज़रूरी है और ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मुल मोमिनीन थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला वो उस बिज़नेस तो उन्होंने शुरू किया था औरतों को तो राह उन्होंने दिखाई है और बिज़नेस करना हलाल है बहुत सही है आप अपने इस्लामिक दायरे में या अपने एक रिलीजियस दायरे में अपने एक समाजी दायरे में रह के आप सब कुछ कर सकते हैं तो हमारी औरतें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं सदियों से करती आ रही हैं लेकिन ऑफिशियली या बाहर उनको ना वैसा नाम नहीं होता उनका सारा क्रेडिट मर्द हजरात को जाता है कि ये कमा के हालांकि मर्द कमाते हैं बेशक सारी जिम्मेदारी मर्द पर है लेकिन पीछे उनके औरतें भी हेल्प कर रही होती हैं। अभी जितने भी हमारे गाँव हैं आप सिंध ले लें बलूचिस्तान ले लें पंजाब ले लें के भी पूरे मुल्क में हर जगह औरतें कहीं ना कहीं मर्दों की हेल्प कर रही होती है अपने घर को बेहतर करने के लिए। अभी आप सिंध में देखिए इंटीरियर में इतनी सिलाई कढ़ाई होती है इतनी सिलाई कढ़ाई होती है क्योंकि हमारा कुछ एग्रीकल्चर का भी काम है तो हम जब जाते हैं तो अब यकीन करें मैं देख के हैरान हो जाती हूँ साम सिंपल सी लेडी होती है जो के फील्ड में खेतों में काम कर रही होती है लेकिन वो हाथ की कढ़ाई इतनी खूबसूरत करती है कि आप हैरान हो जाएँ। तो उनकी कढ़ाइयाँ वो जो मिडल मैन है वो ख़रीदते हैं उनको बिल्कुल नॉमिनल प्राइस देते हैं जो उनके साथ जाती है क्योंकि असल काम तो वो कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो घरेलू लेवल पर भी हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो रूरल वुमेन है उनको भी हम साथ लाएं। अभी हमने पिछले हफ्ते इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे मनाया है इसलिए मनाया है कि उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए कि जो हमारी औरतें
घर में बैठ के, जो गाँव में, देहातों में, शहरों में, शहरों में भी कुछ औरतें ऐसी हैं जो बेचारी बिल्कुल देहातियों की तरह ज़िंदगी गुजारें, हमने उनको अवेयरनेस दिलवाई है, उनको हम बूस्टअप कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप सामने आए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटी सी कागजी कार्रवाई करनी होती है और आप हमारे मेन स्ट्रीम पर आ जाएंगे, जो हमारे, ताकि आपका भी नाम हो कि इस मुल्क को बनाने के लिए, देखिए सबसे पहले आप अपना घर बना रहे हैं, फिर आप अपने इलाके को बना रहे हैं, अपने शहर को, अपने मुल्क को बना रहे हैं, इस मुल्क को बनाने के लिए हर एक छोटे के कतरे का भी हाथ है उसमें। और बिल्कुल मुल्क को बनाने के लिए, अपने शहर को, अपने गांव को बनाने के लिए सबसे अच्छा ये, सबसे बेहतर ये कि पहले पहले अपने आप को बनाएं, इतना काबिल बना दें कि आप अपने मुल्क के लिए काम कर सके। अगर कोमल भी हमारे साथ हैं, इनसे भी मैं पूछना चाहूंगी, कोमल छा मसरूफ आता है आजकल, छाछा पे क्यों? बस आजकल सिंगिंग जी मसरूफ आता है, सिंगिंग ही हले पाई बस। केतरी टाइम का कयो पिया, केतरो सिखियो अथव? मुखे 1 ईयर थियो। के रहे इंस्पिरेशन? तमाम सुठा। इंस्पिरेशन के रहे, आइडियल के रहे, जेके इसी तहां सिंगिंग स्टार्ट कई? हाँ, आइडियल तो काफ़ी सारा, मैडम आपदा परवीन है, सनम मारवी मैडम आहिन, खोर सारा आहिन सिंगर जेके हैं, मुझे फेवरेट हैं। जबरदस्त। अच्छा, रूरल वुमन की आपने बात की, तो हमारे पास इतनी क्रिएटिव होती हैं, आपने कहा एग्रीकल्चर जो है उसको भी संभालती हैं, क्राफ्ट कितना अच्छा हमारे पास है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है हमारा, वाकई बहुत अप्रिशिएट किया जाता है हमारा सिंधी, बलोची, मुल्तानी, आप हर इलाके की कढ़ाई का एक अपनी मुनफरद अंदाज है, हर एक को आप अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बता रही हूँ सिंपल कि हम यहाँ पर काम करते हैं ना सिंध में, इंटीरियर में हमारा एग्रीकल्चर है, आप यकीन करें औरतें बिल्कुल ऐसे बेहाल होती हैं, लेकिन वो बेचारी सुबह सुबह उठती हैं, बच्चों को संभालती हैं, फिर थोड़ी देर घंटे बाद रोटी शोटी बना के फिर वो खेतों में जाती है, खेतों में पूरे मर्द उनको देख के, मर्द बल्कि वहाँ पर वो ढाबे शाबे बने होते हैं, वहाँ पर जाके चाय पीने बैठ जाते हैं, सारा काम औरतों पर छोड़ देते हैं, औरतें बेचारी अपने, उनके बच्चे भी थोड़ी मदद करते हैं, तो औरतें वो संभालती हैं, फिर खाना पकाती हैं, फिर रात को आके, शाम को आके फिर कढ़ाई करती हैं। मैं तो देख के इनको हैरान हो जाती, मैं सच बताऊँ, मैं कहती हूँ हम कुछ भी नहीं है, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, मेरी भी ज़िंदगी बहुत तरह से शुरू हुई, लेकिन मैं उनको जो देखती हूँ, उनकी जो, देखिए हमारे पास तो फैसिलिटीज़ थी, हम लोग शहरों में थे, मेहनत करना और बात है, एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन वो बेचारे तो बग़ैर किसी नाम के मेहनत कर रहे हैं, और फिर शौहर आता है तो सॉरी टू से हमारे समाज का, हमारे मुल्क का ये एक प्रॉब्लम है, शौहर आता है तो सोचता है कि मैं तो, हालांकि वो सारा आधा दिन तो वो टीवी देखकर उधर ढाबों में चाय पी के गपशप करके आता है, और बीवी को आके इतना रोब डालता है कि मैंने तो बहुत काम किया है, तुमने रोटी नहीं बनाई, मतलब जो भी छोटे मोटे बात, डांट डपट, सिर्फ अपना रोब जमाने के लिए, तो औरत को भी थोड़ा सा मिलना चाहिए ना, मतलब इसी के लिए हमने बहुत अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी तो हमारी हुकूमत, हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, और बेनज़ीर अल्लाह ताला वो शहीद हो गए जल्दी, वो होती उनका तो यही था एक, उनका तो ज़िंदगी का मेरे ख्याल में यही था मकसद कि मैं अपने मुल्क की औरतों को आगे लाऊं। आप देखिए कि बिल्कुल उनकी अपीयरेंस से, उनके होने से कितनी ज़्यादा लड़कियाँ आज पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं नहीं पॉलिटिक्स के अलावा भी उन्होंने इतना औरतों के लिए काम किया है, फर्स्ट वुमेन ऑफ बैंक जो पाकिस्तान का है, दैट इज़ मेड बाय बेनज़ीर भुट्टो, तो अल्लाह ताला ने, बस कहते हैं ना कि हमारे साथ भी थोड़ी ज़्यादती हो गई कि वो अल्लाह ताला ने उनको जल्दी वापस बुला लिया, अगर वो होती तो औरतों के लिए और भी बहुत काम करती और दूसरी औरतें भी कर रही हैं दूसरे शहरों में भी, लेकिन एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, व्हाट शी डिड इट इज रियली समथिंग, इंस्पिरेशन बनी कितनी सारी लड़कियों की, ख्वातीन की। अभी भी हमारी, पता है, बिजनेस कम्युनिटी में हम जब भी हमारा काम होता है, एक बेगम राना लियाकत अली, सबसे पहले फातिमा जीना, फिर बेगम राना लियाकत अली, फिर बेनज़ीर भुट्टो, और भी जो कुछ 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 ख्वातीन और भी आ रही हैं, अल्लाह ताला करे और भी आए, इंस्पायर हों, तो बाकी ये है कि हमें आजकल हर फोरम में हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि औरतों को हेल्प करें, और हम तमाम हमारे जो घरेलू मर्द हजरात हैं उनको भी चाहिए कि अपना थोड़ा सा ईगो डाउन करें, अल्लाह ताला ने मर्द औरतों, औरत को दोनों को सेम बनाए, गाड़ी के दो पहिए हैं, और अगर मर्द अपनी औरत को इज्जत देते हैं तो इसमें उन्हीं की इज्जत बढ़ती है, कि उनकी घर की औरत की इज्जत हो रही है, और अल्लाह भी उनसे बहुत खुश होगा, और अगर वो औरत खुश होगी तो पता है आपको, एक अच्छी औरत, पढ़ी लिखी औरत, एक बेहतरीन समाज की अलमबरदार होती है, बिल्कुल, अगर औरत को आगे बढ़ाएंगे ना तो हमारा मुल्क, हमारी कौम, हर चीज़ इतनी नफासत से आगे बढ़ेगी ना कि जो अभी हम लोग से सोचते हैं, तो इसी पर हम काम कर रहे हैं, और हमारा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस पर हमारी पूरी हमें हेल्प कर रहे हैं, जो हम फैसिलिटी चाहते हैं, जो हम, हमारी मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं,
हम लोग एग्जीबिशन करते हैं वुमेन के, उनको स्टॉल दिए जाते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट लाएं, गांव से आती हैं, तरह तरह से, मीरपुर खास से, सखर से, मैंने हर इलाके से, आप यूँ समझे कि यहाँ कराची शहर में एग्जिबिट करती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एग्जीबिशंस पे भी हम बात करेंगे, और भी हमें बहुत सारी हमारी लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ इस टाइम देख रही हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, हम उनके लिए भी एक रास्ता बनाएं, आप गाइड कीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक सॉन्ग सुन लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, मौसीकी सुबह सुबह तमाम घड़ी ज़रूरी है। ज़बरदस्त को सॉन्ग कोमल छा बुधाईना। जी हाँ, माँ हाँ तक उस्ताद बुखारी जो सॉन्ग बुधाईना, उम्मीद है तो तक पसंद इंदो। वाह वाह। असी प्यार करण वारा माणो, असी प्यार करण वारा माणो, असी प्यार
वाकई असा प्यार करण वाला मानु ही है असा जी 5000 सालन जी जका हिस्ट्री है जका तारीख है इंडस वैली सिविलाइजेशन ता पूरी खणी दिसो दुनिया में किथे ब हर सिविलाइजेशन मा ता जने जिते उते आर्कियोलॉजिकल साइट्स हुंदा आहिनि जका तारीखूं आहिनि मुख़्तलिफ़ सिविलाइजेशन्स जूं तव्हां उहे सभई खणी ॾिसो किथे न किथे कंहिं सिविलाइजेशन्स में हथियार तव्हांखे ज़रूरु नज़र ईंदा पर सिंध जी तारीख़ में असांजी इंडस वैली में को बि हथियार असांखे न आहे मिलियो वॾी इहा सभिनि खां ॻाल्हि आहे त असां हींअर खां न सदियुनि खां प्यार करण वारा माण्हू आहियूं ब्रेक जो टाइम थियो नाज़रीन ब्रेक खां पोइ इहे कचहरियूं इहे मोहबतूं इहे जारी सारी हूंदियूं मुंहिंजो केॾा मना ॾिसंदा रहिजो धरती टीवी हेॾो न आहिनि धरती ते मूं दिलि जी देवल जोड़ी आहे हेॾो न आहिनि धरती ते मूं दिलि जी देवल जोड़ी आहे तो नफ़रत जी दीवार खईं मूं उन जी पाड़ उखोड़ी आहे मूं गाता गीत मोहबत जा मूं गाता गीत मोहबत जा मूं वाघ वतन जी मोड़ी आहे वेलकम बैक वंस अगेन ऐं ज़बरदस्त कचहरियूं ॻाल्हियूं असांजो हली रहियूं आहिनि शेख अयाज़ जी शायरी ऐं वॾा वॾा ज़िंदगी में जेके इनकलाब ईंदा आहिनि उहे ज़रूरी न आहिनि त उहे कंहिं तलवार जे तवसुत सां अचनि तलवार जे थ्रू अचनि उहे इनकलाब जेके आहिनि लफ़्ज़नि सां बि ईंदा आहिनि उहे इनकलाब आर्ट सां ईंदा आहिनि उहे इनकलाब मोहबत सां बि ईंदा आहिनि त कोशिशि कंदा कयो ज़िंदगी में हमेशह मोहबत जेके आहिनि उनखे तरजीह ॾींदा कयो ज़बरदस्त ॻाल्हियूं असांजूं हली रहियूं आहिनि ख़ालिद अमे मस सां गॾु आहिनि पूछूंगी हम एग्ज़िबिशन्स की बात कर रहे थे जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो लड़कियां आपको हमारे स्क्रीन के थ्रू देख रही हैं वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहें या आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो ये कैसे मुमकिन है ये इस तरह के फेडरेशन में मैं अपना नंबर दे दूँ किसी तरह तो अगर आप जैसा बताएँ तो वो फेडरेशन में आके मुझे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं खालदा खान के नाम से वुमेन कोऑर्डिनेटर FPCCI ये पार्क टावर क्लिफ्टन में है पार्क टावर के साथ वाली बिल्डिंग है तो कोई भी लेडीज़ आना चाहती हैं तो उनको हम तरीका बताएंगे कि पहले उनको एक कमिटीज़ में चैम्बर्स में इनरोल होना पड़ता है क्योंकि ये उन्हीं की बेहतरी के लिए है अगर वो अपने आप को वहाँ रजिस्टर करवा लेती हैं तो फिर फ्यूचर में उनको हमें उनको आने की जाने की ज़रूरत नहीं है उनको खुद बहुत मैसेज आया करेगा और हम एग्जीबिशन करवाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर होता है मतलब हर चीज़ के ऊपर होता है ना तो प्लस जो लेडीज़ हमारे टेक्सटाइल का काम मतलब क्लोथिंग का काम करती हैं तो ज़्यादातर औरतें हमारी वही करती हैं और भी बहुत सारे काम हैं तो जो भी करना चाहती हैं वो आएँ उनको हम बहुत नॉमिनल कभी कभी हम नॉमिनल रेट चार्ज करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम उनको फ्री स्टॉल देते हैं वो आएँ अपने प्रोडक्ट लाएँ वहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और उनको पता चले कि भाई ये चीज़ें ये बना रही थी और हमें इस रेट में मिल रहा था तो देखो अभी तो ये कितने मतलब बेहतर रेट में और एक तो उनको उनको भी कम मिलेगा दूसरा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रही हैं लेडीज़ जो काम कर रही हैं उनको भी बेहतर रेट मिलेगा क्योंकि जो मिडिल मैन है वो एक अच्छा खासा हिस्सा खा जाता है प्रॉफिट का ना तो हम चाहते हैं कि हर लेडी हर जो वर्किंग वुमेन है वो अपने आप को पहचाने देखिए पहचानना ये नहीं होता कि आप अपनी फैमिली से बाहर आ गए हो आप अपनी फैमिली में किसी के मतलब खुदा ना खास्ता ये एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे माहौल में अपने काम के तवसुत से अपने पहचान बनाना बिल्कुल आप आओ पहचानो अपने काम की कदर करो आप खुद अपने काम की कदर करोगे तो दुनिया भी आपको इज्जत देगी और दुनिया की इज्जत आपको तब महसूस होगी जब आपकी प्रोडक्ट सही दामों में बिकेगी और उससे आपको फ़ायदा होगा आपके घर को फ़ायदा होगा तो और तो और दूसरी बात है कि एक हमारा टैक्स एनटीएन होता है एनटीएन से हमारी लेडीज़ बहुत घबराती हैं एनटीएन कुछ भी नहीं है एनटीएन ये है कि आपको एक दायरे पे लाया जा रहा है और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर खुदा ना खास्ता आपकी इतनी इनकम एक उनका एक लिमिट है कि आप अगर 10 लाख से ऊपर या 12 लाख से ऊपर कमा रहे हो तब आपने देना है तो इतना तो हमारी लेडीज़ कमाती नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है एनटीएन बन जाता है आपको बैंक भी फैसिलिटेट करते हैं गवर्नमेंट का एक ये बन गया है कानून बन गया है कि आपने लेडीज़ को 5 लाख तक लोन देना है विदाउट कोलेट्रल बैंक वाले जो कोलेट्रल मांगते हैं ना अक्सर बैंक वाले आम बंदों को थोड़ा डरा देते हैं
तो जब आपको पता होगा, अगर सपोज मैं जा रही हूँ, मुझे पता है कि भाई मुझे हुकूमत की तरफ से ये फैसिलिटी है कि मैं 5 लाख तक लोन ले सकती हूँ, तो मैं जब किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल अदारे के पास जाऊँगी तो मैं उसी तरह बात करूँगी, तो वो भी फिर मुझे वैसे ही रिगार्ड करेंगे। आपको लोन मिल सकता है, अगर आप 5 लाख से ज़्यादा लेने से चाहते हो वो भी मिल सकता है। उसमें फिर ये होता है कि छोटी सी कोई कंडीशन होती है, वो भी आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी लेट देखिए, चूँकि हर औरत को पैसों की प्रॉब्लम होती है ना, और फैमिली में इतने, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है तो वो आप लोग उनकी हेल्प करते हैं। इवन क्या जो एग्रीकल्चर कर रही है ना, सरप्राइजिंगली जो गाँव में वो क्या कहते हैं बकरियाँ गाय भैंसे पाल रही है ना, उनको भी दे रही है गवर्नमेंट, पता है आपको। सिर्फ हाँ मर्दों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, चूँकि मर्द इतने रिलायबल नहीं है फाइनेंस लेने के, सॉरी टू से ना। औरतें जो लेती हैं ना तो वो उसको बहुत जिम्मेदारी से लेती हैं, उसको पता होता है कि इस पैसे के पीछे मुझे खुद भी काम करना है, मेरे बच्चों को भी देखना है, मैंने अपने घर को देखना है, मैंने अपने शौहर की भी मदद करनी है। औरत बहुत इस एहसास जिम्मेदारी उनमें ज़्यादा होता है, औरत में एहसास ये कुदरत ने बनाया है। देखिए मर्द जो शुरू से था हमारा एक नेचुरल कानून है कि मर्द कमाता है, मर्द सिर्फ जिम्मेदारी निभाता है कि मुझे कमाने की फिक्र है। घर में आपको पता है 100 से ज़्यादा जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी औरत निभाती है। तो इसको और वो जब घर आते हैं तो फिर कहते हैं तुम करती क्या हो सारा दिन, और पता है इस वर्ड से, इस बात से औरत बहुत हर्ट होती है बहुत हर्ट होती है। उसकी सारा दिन की जो मेहनत होती है ना, वो कहती है, वो बेचारी फिर इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता ना, कि मैं तो शायद कुछ करती ही नहीं। चूँकि आपको जब ब्रेन वॉश हो रहा है रोज़, आपका हस्बैंड जिसको आप हर कुछ मानते हो, एक औरत अपने शौहर के लिए सब कुछ करती है, लेकिन सिर्फ शौहर उसको प्यार से कह दे कि तुम इतनी मेहनत कर रही थी आज, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा था, बस मैं आया, मैं कह जल्दी जाऊँ, मैं बीवी को देखूँ, उसकी थोड़ी मदद करूँ। एप्रिसिएशन की बहुत कमी है, बहुत कमी है। इतनी सी बात कह देगा ना एक मर्द औरत को, आप यकीन करें औरत जो बिल्कुल थकी मांदी होगी ना, वो भी उठ के खड़ी हो जाएगी, नहीं नहीं आप बैठो, आप क्यों करोगे, मैं करती हूँ, आप बोलो। तो ये एक मोहब्बत आपस का रिश्ता जो है ना, इसको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है हमारे मर्द हजरात को भी। देखिए औरत के बगैर ना समाज है, ना दुनिया है, ना ज़िंदगी है, इसी तरह ना मर्द के बगैर औरत समाज है, ना दुनिया है, ना ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने दोनों को लाजिम मलजूम बनाया है, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को प्यार दें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। और अना नहीं होनी चाहिए रिश्ते में, रिश्ते में कोई अना नहीं। देखें आप हस्बैंड दिन में 10 दफ़ा आपके इख्तलाफात हो सकते हैं हस्बैंड से बीवी से, लेकिन उसको अना ना बनाओ, उसको फौरी सोचो कि हाँ कुछ नहीं, और शौहर बीवी से माफ़ी मांग ले, बीवी शौहर से माफ़ी मांग ले, दिस नो इशू। ये प्यार बढ़ता है, कुछ भी नहीं होता। तो बस ये थोड़ी सी अवेयरनेस हम देते हैं। वो कहते हैं ना अना की जंग में अक्सर मोहब्बत हार जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अना जब इंसान के रिश्तों में आती है ना तो मोहब्बत, वो भले अम्मी अब्बू का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, बिल्कुल अना जब बीच में आ जाती है ना, अना को कभी अहमियत नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं। और पता है अना ऐसी चीज़ है कि अना को ना पता नहीं शैतान भी हमारे पीछे लगा होता है ना, तो बस इंसान थोड़ा सा अगर अपने आप को कर लेना, सोच ले कि नहीं आई हैव टू डू, कुछ भी नहीं, मेरा हस्बैंड है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, बाप, अक्सर बच्चे भी माँ से भी अना के खातर बात ही नहीं कर पाते, सालों बीत जाते हैं, कोई बात दिल में थी, मैंने अपने माँ से कहनी थी, मैं माफ़ी मांगनी थी, नहीं कर पाते। तो इसको ना हमें ओपनली ब्रेक करना चाहिए। देखें कभी कभी मेरे दिल में कोई ऐसी बात होगी, मैं चाह रही हूँ ना कर पाऊँ, नहीं कर पा रही हूँ, अगर आप मुझे बता देती हैं थोड़ा सा कि हम इनडायरेक्टली, ये नहीं मुझे डायरेक्ट बता रही हैं, मेरे दिल में ख्याल आएगा तो मैं ज़रूर घर जाऊँगी, अपनी माँ से कहूँगी कि अम्मी जी मुझसे ये हो गया था, आई एम सो सॉरी। इसमें सॉरी कहने से तो आप बड़े हो जाते हो, मोहब्बत भी बढ़ती है, मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है। बस यही कहती हूँ कि अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, अभी हमारी गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, हर जगह पूरे मुल्क में इस चीज़ को बहुत इनक्रेज किया जा रहा है कि आप औरतों को सामने लाएँ, उनकी मदद करें, उनको तरीके बताएं, उनकी कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड होती है, वो काम तो कर रही हैं। अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड, देखिए कोई भी काम कर रही है उसको लोन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लोन के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, किसी चैम्बर का मेंबर होना पड़ेगा, आपको NTN बनाना पड़ेगा, ये सारे इतने बड़े इशू नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं NTN बनाने के लिए ना जाने मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पता नहीं मुझे रजिस्टर किसे करा, तो हम फेडरेशन उनको ये तरीका बताते हैं। प्लस अभी मैं और ऑनररी मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ FTO की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से, उन्होंने भी मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है कि खालदा आपने लेडीज़ को टैक्स दायरे में लाना है, उनको बताना है कि टैक्स उनके लिए कोई हवा नहीं है,
टैक्स कुछ भी नहीं है। अगर देखें, अगर आप महीने, आप साल में अगर 12 लाख कमा रही हैं, अगर उसमें से आपने जो आपका टैक्स बनता है 8-10 हज़ार मैक्सिमम अगर दे दे, तो आप कितना आपका कॉलर हाई हो जाएगा कि यस आई हैव डन इट, यस आई एम द टैक्स पेयर, यस ये जो मुल्क में तमाम चीज़ें बन रही हैं इनमें मेरा भी चाहे एक पैसा क्यों ना हो, मेरा भी शामिल, मेरा भी हिस्सा है, बिल्कुल। तो इसको ना आप अपने आप को बहुत प्राउड शहरी फील करते हो ना, तो बस बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं भी इसको सेकेंड करूँगी। तो टैक्स जो है वो देने तमाम घो जरूरी है पाँच डेवलपमेंट ला पाँ मुल्क की। सॉन्ग की तरफ हलूँ था असा गुड कोमल है, कोमल हाँ कड़ो सॉन्ग बुधाइंदा असें जो व्यूवर्स धरती टीवी जहाँ उन्होंने डेडिकेट कर हाँ सिंध जो फेमस सॉन्ग आए अले मुझे मारोड़ा वो मैं तुझाइंदम जबरदस्त ब्यूटीफुल सॉन्ग। मारुड़ा सुहेड़ा मुझा अल्ले
चार चंड सेट ते लगाए छे जबरदस्त थैंक यू बेहतरीन ज्यादा छोटा पैकेट बड़ा धमाका जबरदस्त खड़ूकियो सॉन्ग है ये लाई मुश्किल सॉन्ग है ये ना जी हां बिल्कुल केतरी प्रैक्टिस कई थो विनत प्रैक्टिस कया पई मां सिखा पई अन्या तई जबरदस्त उस्ताद के रहे ता जो कोमल उस्ताद मुजाहिद नजीर समो साहब जबरदस्त ताई राडो सुठो माशाल्लाह ता गायो ए निभायो खाली तमें बस सगदन खोड़ सवाल इन जकी मैं पूछन चाहे पी औरतुन जे हवाले सा गाले रहया हूं तो मां मदर से हवाले से हम गाले हन चाहिंदस अस ब्रेक में ब माओ जे हवाले सा गाले रहसी मदर के बारे में हम बात कर रहे थे हमारे ट्रेडिशंस हमारा कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है बाहर जो ममालिक हैं यूके यूएसए ब्रिटिश और अमेरिकन वैसे भी हमारे कल्चर से बहुत मुख्तलिफ हैं लेकिन हम हर चीज़ में उनसे बहुत इंस्पायर रहते हैं यही हम लोगों की ना सबसे बड़ी बदनसीबी है अगर हम अपने इक्तदार को होल्ड करें ना हम बहुत चीज़ें उनको फॉलो कर करके हम अपने इक्तदार को अपनी जो हमारी हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उनको हम छोड़ चुके हैं जबकि अगर हमारा ट्रेडिशन इतना रिच है आप सदियों पहले देखें कि ये जो यूरोप वगैरह ये बिल्कुल अस्तग़फ़िरुल्लाह बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे लेकिन हमारे खित्ते में हम लोग उस वक्त भी बड़े डेवलप थे उस क्यों चूँकि हमारा जो फैमिली निज़ाम हमारा जो सिस्टम था बहुत एडवांस था उस वक्त भी लेकिन उन लोगों ने हमारे जो पुराने हमारे इकदार थे उनको दूर करने के लिए हमें अपनी रवायतों से हटा दिया और हम लोग बिल्कुल बेखौफ होके हम बड़ी खुशी खुशी उनकी सो कॉल्ड जो मॉडर्नाइजेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं अभी आप ओल्ड एज होम की हमने बात की थी मदर्स के हवाले से अभी देखिए यूके आप मैंने यूरोप वगैरह जाएँ अमेरिका जाएँ वहाँ पर माँ बाप को इतना उन्होंने एक गैर ज़रूरी अस्तग़फ़िरुल्लाह सर इंसानी चीज़ समझ ली है वो कहते हैं ये हमारे घर पे ना ओल्ड पीपल वो वहाँ पर एक ऐसा तरीका आ गया है बाप को ओल्ड मैन कहते हैं माँ को ओल्ड वुमेन कहेंगे माँ कहना भी छोड़ दिया है और वहाँ पर एक ऐसा रवाज है कि माँ बाप का भी कसूर है माँ बाप भी बचपन से बच्चों को इस तरह की तालीम देते हैं इस तरह उनसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो 18 साल का हो जाएगा यू कि उनको बार बार कहते रहेंगे यू जस्ट गेट टू 18 एंड देन यू आर आउट ऑफ द हाउस मतलब वो बचपन से उनको ऐसा है कि एक जहनी तौर पर तैयार करते हैं कि 18 साल के बाद बच्चे की माँ बाप पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है तो जब माँ बाप ऐसा बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चों ने फिर क्या किया बच्चे भी छोड़ जाते हैं कुछ बच्चे जो थोड़े लेज़ी होते हैं या कुछ नहीं कामयाबी हासिल कर सकते वो माँ बाप की तरले करते हैं उनके साथ रह जाते हैं लेकिन आम तौर पर इस चीज़ को उन्होंने किस तरह डेवलप कर दिया है कि उन्होंने बूढ़े माँ बाप के लिए ओल्ड होम्स बना दिए हैं ये बहुत समाज और ये अल्लाह पाक ने इस चीज़ को बहुत नापसंद फरमाया है आप हमारे कुरान शरीफ में देखें माँ बाप की इज्जत माँ बाप की इज्जत माँ बाप को रिगार्ड देना कितनी दफ़ा उसका जिक्र आया है हम उसी चीज़ से दूर हट रहे हैं और वो लोग इन्हीं वजहों से ना उनके आप यकीन करें औलाद ऐसी है कि 12-12 15-15 सालों से औलाद ने माँ बाप का मुँह नहीं देखा माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं फिर वो जो काउंसिल्स वाले आते हैं वह जो इदारे होते हैं और जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो फिर उनको आके उठा के ले जाते हैं कि आप लोगों की हम सेपरेट नर्सेज नहीं रखवा सकते सो वी आर शिफ्टिंग यू टू द ओल्ड होम्स वहाँ पर क्या होता है बेचारे सारे बूढ़े औरतें बूढ़े मर्द बूढ़े औरतें होती हैं लेकिन वो उनके दिलों के अंदर देखिए एक इंसान बिल्कुल जब बूढ़ा होता है बच्चा हो जाता है जैसे एक बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत होती है बूढ़े बंदों को भी अपनी औलाद की उनको खाना पीना उनको बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है बिल्कुल बच्चों की तरह उनको सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है अपनी औलाद का साथ चाहिए होता है अभी ये अफसोस की बात है बहुत ही अफसोस की बात है ये चीज़ हमारे मुल्क में भी आ गई है अभी आप देखें पाकिस्तान में
कई जगह ओल्ड होम्स बन गए। अभी टीवी में अक्सर मैं देखा है, कुछ चैनल्स में दिखाया उन्होंने, लाहौर में है, कराची में, बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ें हो गई हैं, जो कि मरीज जब इंसान देखता है तो हम बहुत गमजदा होते हैं कि या अल्लाह, वो औरतें रोती हैं कि मेरा 12 साल से 13 साल से बच्चा नहीं आया, मेरी औलाद नहीं आई, उसकी क्या वजह। और बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, अभी वो सारे माँ बाप ने शौक से उनको बाहर भेज दिया, और औलाद जब उधर रहना सीख जाती है, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि हमने अभी जाना, वो उनके लिए एक माँ बाप एक बर्डन बन जाते हैं। वो माँ बाप को फ़ोन कर देते हैं, समझते हैं जिम्मेदारी निभा ली है, वो फ़ोन करके कहेंगे अम्मी अब्बू मैं आपके लिए पैसे भेज रहा हूँ, आप अच्छा यहाँ पर किसी ओल्ड होम से रब्ता कर लेते हैं कि आप मेरे माँ बाप को ले जाएं, इनका जो खर्च आएगा मैं भेजता रहूँगा। माँ बाप को खर्चों की नहीं, पैसों की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। पता है जब हमारे समाज में ये चीज़ बढ़ जाएगी ना, तो अल्लाह पाक के तभी अजाब आते हैं, अल्लाह पाक इस चीज़ से। और मैं वहाँ पे तो ये कल्चर है कि पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पे होस्ट पेरेंट्स भी रख सकते हैं अपने लिए अगर उनको ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे जिन पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं वाकई में उनका, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिनकी वजह से सब दुनिया में आए हो, आप उनको किस तरह। और वो हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि पेरेंट्स के पास और कुछ होता नहीं, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी होती सारा है, कुछ औलाद वो बच्चों पे लगा देते हैं, लगा देते हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं इस चीज में मैं कहती हूँ माँ बाप को भी थोड़ा सा ना समझना चाहिए कि बच्चों को इतना भी नहीं पढ़ाएं, हमारा मुल्क सब कुछ है, हम बच्चों को पढ़ा पढ़ा के उनको कामयाब करके बाहर भेज रहे हैं, क्यों हमारे मुल्क को क्या उनकी ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाएं, कामयाब करें, उनको मुल्क में रखें, उनको कहें बेटा ये तुम्हारी धरती है, ये तुम्हारा मुल्क है, ये तुम्हारी ज़मीन है, यही तुम्हारी माँ है। अगर आप बच्चों को बचपन से ये सिखाएंगे ना, तो बच्चों के अंदर भी मुल्क के लिए, कौम के लिए प्यार पैदा होगा। जब कौम के लिए, मुल्क के लिए आप प्यार सिखाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कहेंगे सबसे पहले तो ये मेरे माँ बाप हैं। आप तो खुद अपने औलाद को, अपने अभी मैं कितनी फैमिलीज को जानती हूँ, यकीन करें दो मियाँ बीवी बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं, एंड दे उनके चिल्ड्रेन जो है 3 के 4 बच्चे हैं, 3 अमेरिका में है, कैनेडा में है, नोबडी कैन कम, और वहाँ से फ्लाइट मिलना भी इज नॉट सो इजी। बिल्कुल, मतलब या दुबई शुबई हो तो चलो इंसान आ जाता है, भाग कर आ जाए, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो आप अभी से सीखे, मगर ना आप लोगों का हशर उन लोगों से भी बुरा होगा। बिल्कुल, उन लोगों से भी बुरा होगा, सही बात आपकी। इतने ब्रेक जो टाइम चुके नाजरीन, सफान एंड ब्रेक है, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन, भलीका चंदासी सभी धरती धड़िन के ऐं ज़बरदस्त गालियूं असांजी हली रहियूं आहिनि। पर अगरि तव्हांखे ॿुधायां त फ्रेंड मूंखे मैसेज करे पुछे पई त ड्रेस वॉर्ड्रूप जेको मूंखे हिन टाइम पातल है उहो कहिड़े डिज़ाइनर जो है, त तव्हांखे ॿुधायां त एस क्यूब जो डिज़ाइन आहे। अगरि तव्हांखे हिन टाइप जो ड्रेसिंग जेका अगरि वठणी आहे या ड्रेसिंग अहिड़ी करणी आहे, त पोइ तव्हां एस क्यूब जो फेसबुक इंस्टाग्राम पेज आहे, उन ते वञी तव्हां ऑडर करे सघो था। ऐं मां यूजुअल जेका ड्रेसिंग आहे उहा एस क्यूब जी ई कंदी आहियां। त ज़बरदस्त थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे एतिरो एप्रिशिएट कंदा आहियो, एतिरो मान प्यार हमेशह ॾींदा आहियो, ऐं हिकिड़ी हिकिड़ी शइ, नंढी नंढी शइ असांजी नोट कंदा आहियो, उनजे लाइ हमेशह तव्हांजा थोराइता हूंदा आहियूं। ज़बरदस्त ॻाल्हियूं ऐं म्यूज़िक कोमल गॾु आहे, त कोमल खां ज़बरदस्त असां उन्हनि जे प्यारे आवाज़ में, सुरीले आवाज़ में सॉन्ग्स ॿुधायूं ॿुधा आहिनि, ऐं ॿियो वरी खालदा मैडम गॾु आहिनि, त उन्हनि खां सवाल पुछी रहिया आहियूं। कल्चर जे हवाले सां असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं, हम लोग यहां पे सिंध में कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं, और अपने कल्चरल ड्रेसेस जो हैं वो भी पहनते हैं, ईद की तरह जैसे सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हर हमारे मल्टी कल्चरल कंट्री है हमारी, तो सारे जो कल्चर हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिंध कल्चर डे बहुत प्यार से, बड़े शौक से मनाया जाता है। ये अच्छा होता है, ये आपको ना अपनी ज़मीन से, अपने कल्चर से, अपने लोगों से प्यार का एहसास दिलाता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ ये ऐसा पंजाब में भी होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, केपी के गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पर भी होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध कल्चर डे बहुत प्यार से, और पूरा शहर ऐसा होता, वाकई ऐसा जैसे ईद का समा है। तो आई थिंक इससे इजहार होता है कि आप प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने कौम से, अपने बैकग्राउंड से। और सबसे बड़ी बात इसमें अजरक का बहुत बड़ा हाथ है, पता है आपको। अजरक तो माशाल्लाह हमारी मुल्क की ऐसी पहचान बन गई है, अजरक और वो सिंधी टोपी। तो अभी तो बाहर से भी मुझे फरमाइशें आती हैं, और पहले से भी होता था, पहले भी बहुत था, लेकिन पहले इतना लोग नहीं जानते थे। अभी जब से ये कल्चर डे मनाना शुरू हुआ है, शायद इसी की बदौलत है कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें ये भिजवा दें, अजरक भिजवा दें, आप हमें सिंधी टोपी भिजवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
अपने रूट से कनेक्टेड होना। मैं भी कहीं जाती हूँ, कहीं अगर एग्जीबिशन हो रही है किसी और मुल्क में, मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन होती रहती हैं, मैं जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए अजरकें लेके जाऊँ। बिल्कुल, और वो इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं और इतना प्यार करते हैं हमारी चीज़ों से। बिल्कुल। और अभी तो मेरी अपनी फैमिली कुछ बाहर है तो उनके जो दोस्त हैं वो सब कहते हैं कि आपकी जो सिस्टर है उनको बोले हमें ये भिजवाएं, हमें ये भिजवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड। और मैं खुद भी जब भी जाती हूँ मैं भी अजरक और सिंधी टोपी भी ले, चूंकि कुछ मर्द नजर आती होते हैं ना, तो वहाँ पर तो लेडीज बड़ी शौक से सिंधी टोपी पहनती हैं, वो उनके लिए एक फैशन बन जाता है। तो मैं कहती इस तरह हमारे दूसरे इलाके भी हैं, मुल्तान है, पंजाब है, हर इलाके की अपनी अपनी एक पहचान है, तो ये होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम फेडरेशन में भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ पे भी सेलिब्रेट करें ना, कल्चर डे अभी आ रहा है तो उसको वहाँ पे भी फेडरेशन हाउस में सेलिब्रेट करें। एहसास थोड़ा देर से हुआ क्योंकि मैं मसरूफ थी, तो बाद में एहसास हुआ, तो इंशाल्लाह मे बी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर वी विल सेलिब्रेट इट एंड आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू, इनवाइट यू एंड यू आल्सो के बी पार्ट ऑफ दैट थिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। हाँ। अच्छा खालिदा मैडम, आपसे पूछूं कि स्ट्रगल क्या रहा ज़िंदगी में आपका? हमने सक्सेस की बात की, मुख्तलिफ चीज़ों की, आपके काम पे बात की, स्ट्रगल क्या क्या रहा, क्या क्या किया आपने? मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, पता है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दिस इज़ माई बैकग्राउंड, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मैं जब छोटी थी, वी आर फाइव ब्रदर्स टू सिस्टर्स, तो हमारे जो फादर थे बचपन से मुझे, आई एम द सेकेंड एल्डेस्ट, हम बड़े भाई हैं, तो वो मुझे बचपन से ही ना बेटों की तरह ही करते थे, और मैं जिम्मेदार भी थी। मेरे बड़े भाई थे जिम्मेदार नहीं थे, सॉरी टू से, जिम्मेदारी के सारे काम मुझे सौंपा करते थे। तो खैर वो उसी वजह से मेरी बिल्टअप हुई। एंड मेरे वालिद साहब बहुत ज़िम्मेदार और माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली नेचर के थे, औलाद के साथ बहुत फ्रेंडली हुआ करते थे। तो शायद ये वजह थी कि उन्होंने जल्दी फौत हो जाना था, तो व्हेन आई वाज 19 ईयर्स एंड 20 ईयर्स बिटवीन ही एक्सपायर्ड, तो उस वक्त फैमिली में कुदरती बात है, माँ थी, माई मदर वॉज हाउस वाइफ, तो मुझ में फिर एक बचपन से था कि मैं मर्दों वाले काम करूं, जो मेरे फादर किया करते थे, आई शुड डू दैट, आई शुड। तो जब फादर फौत हो गए ना, तो आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो मुझे ख्याल आया कि आई शुड टेक ए जॉब, मैं इस वक्त कुछ तो नहीं कर सकती हूँ। मेरे फादर की जो छोड़ी हुई चीज़ें थी वो सारे, बस वो एक डिफरेंट स्टोरी। तो फिर उस वक्त मैंने जॉब ली, यकीन करें आई टुक ए जॉब एज जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो क्लरिकल जॉब कह सकते हैं हम, बट आई वॉज वेरी एडमेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाई नेचर। मेरी अम्मी कहा करती थी अकेले मत जाना, साथ में कोई भाई जाएगा, मैं कि नो, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, बिलीव मी। मैं जाया करती थी, रक्षे में जाती थी और आती थी, तो और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरी तनख्वाह भी कितनी थी, सिर्फ 2000 रुपये, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं पार्ट टाइम पर स्टडी करती थी। ये किस ईयर की बात है? इट्स ए लॉन्ग टाइम, 89 की बात है। अच्छा अच्छा, यस। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जॉब शुरू की, फिर मैंने ये एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, बहुत, फिर एक मल्टी नेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिली इन ईयर 93। अच्छा, तो मल्टी नेशनल कंपनी ने मुझे ग्रूम किया, ट्रूली स्पीकिंग, इट वॉज ऑयल ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनी, और मैं वहाँ पर एज एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया। और इस चीज़ों में काम करते मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, फैमिली से, रिश्तेदारों से, नेबर से, अपनी मेरी अम्मी से, अम्मी भी कहा कि बेटा इस तरह मत जाओ, इस तरह मत जाओ, मत करो, इतना छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। मैं कहती नहीं अम्मी जी, दुनिया देखें, हम अगर भूखे रहेंगे तो कोई हमें आके भी, अम्मी को उस वक्त कहा करती थी अम्मी जी, कोई हमें आके एक नवाला भी नहीं देगा, और लिहाजा अब जो मैं कर रही हूँ या जो हम कर रहे हैं ना, तो उनके पास कुछ भी नहीं है टू अदर देन क्रिटिसाइज। तो आप यकीन करें दैट आई स्टार्टेड टू वर्क विद दैट मल्टीनेशनल कंपनी विच वाज गिविंग मी वेरी हाई सैलरी, वेरी गुड सैलरी, एंड प्लस दे ट्रीट मी वेरी नाइसली। अब मैं बताऊँ, मेरे जो बॉस थे फ्रेंच मैन थे, एंड ही यूज्ड टू ट्रीट मी जस्ट लाइक हिज डॉटर। वो मुझे इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, और मुझ में एक सीखने का बहुत जज्बा था। मुझे जज्बा ये था कि मुझे कोई टोके ना, कि मुझे ये आता नहीं, ये चीज़ मुझ में बहुत ज़्यादा थी। वो मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे ये बॉस के कहने से पहले मुझे ये करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह, और आप यकीन करें फिर आफ्टर दैट आई यूज्ड टू हैंडल दैट कंपनी माई सेल्फ एज इंचार्ज ऑफ द ऑफिस, बिलीव। ग्रेट, ग्रेट। मैं हैंडल करती थी और कॉरेस्पॉन्डेंस करती थी
with all local government, semi-government, foreign, our other regional offices, our head office, financial office, ये हर मुल्क में होते थे. कोई फ्रांस में था, कोई मलेशिया में था, कोई सिंगापुर में था, कोई थाईलैंड में था. सब ऑफिसों को मुझे रिपोर्ट बना के भेजनी होती थी. और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड, मैं वहाँ पर 8 साल जॉब की. जॉब करने के बाद देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का. मुझे देखे मेरे, मैंने सोचा कि ये तो मेरा एक रूटीन वाइज वर्क हो गया, नाउ आई शुड डू समथिंग डिफरेंट. क्योंकि मेरे कुछ दायरे में ऐसे लोग आ रहे थे, मुझे देख रही थी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ्रिज इंपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. मैं कहती ये तो मैं भी कर सकती हूँ, टेक्सटाइल है. मैंने भी शुरू काम किया. मैं कहती सबसे ईजी मुझे क्या लगा, टेक्सटाइल. मैं कहती हमारे फैसलाबाद में माशाल्लाह इतना कपड़ा बनता है, अब यकीन करें. आई स्टार्टेड इंडेंटिंग कंपनी. इंडेंटिंग क्या, कि मेरे पास तो अपना कोई फाइनेंस नहीं, थोड़ा बहुत था, उससे कुछ भी नहीं होता. और मैं इतनी यंग थी, मतलब मुझ में इतनी मेच्योरिटी भी नहीं थी. भाई वगैरह अभी छोटे थे, मतलब एक बड़े थे. तो एनीवे, तो फिर मैं फैसलाबाद से कंपनियों से रबते किए, कि मैं फिर मैंने फॉरेन कंपनी से रबते किए. बांग्लादेश वाज माय फर्स्ट बायर, समझ ले कि वो, चूँकि उनको, उनके पास अपना कपड़ा नहीं होता था, उनको ऑर्डर आते थे बाहर से. तो दे वेयर वो जो ऑर्डर आते थे उसके अगेंस्ट में LC ओपन करते थे. तो कपड़ा उनको मैं फिर पाकिस्तान से देती थी. अच्छा. तो उसमें क्या, फ्लैनल कपड़ा जाता था, शीटिंग जाता था, ग्रे फैब्रिक जाता था, अच्छा रॉ कॉटन जाता था, कॉटन थ्रेड जाता था. तो मैंने बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडेंटिंग की, और इससे मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ. और बहुत मैं आगे बढ़ी. फिर मैंने फिर सोचा कि मैं अभी अपनी गारमेंट फैक्ट्री करूँगी. तो गारमेंट फैक्ट्री का भी मुझे ख्याल आ गया ही जब मैं बिज़नेस कर रही थी 4-5 साल के अंदर ही. अब यकीन करें मैंने गारमेंट फैक्ट्री शुरू की लाहौर में. फिर मैंने कहा कि ये तो हो रहा है, अभी मैं ना बाहर करूँगी. चूँकि बांग्लादेश में मेरा बहुत आना जाना था. बांग्लादेश में मैंने जॉइंट वेंचर पर फैक्ट्री की. अच्छा. गारमेंट फैक्ट्री, नीट शर्ट्स बनाते थे हम. और लेकिन बांग्लादेश में जो गारमेंट फैक्ट्री की ना, वो मेरा अच्छा तजर्बा नहीं हुआ. चूँकि उधर के जो लोग हैं ना, उनका जो कंसेप्ट है ना, दे आर नॉट ऑनेस्टी. वो कहते हैं जो बंदा आ गया ना, बस इसका सब कुछ रख लो. और वो पाकिस्तान के साथ उनका एक हेटेड है, बस कुदरती बात है. पॉलिटिकल लोग प्यार करते हैं, लेकिन जो जो पॉलिटिशियंस है ना, वो नफरत फैलाते हैं. अच्छा, इस पे ये बात करेंगे कि फेल्यूर जो है ना, वो सक्सेस का हिस्सा है. मैं सुबह यही बात कर रही थी, इस पे भी बात करेंगे. मैं चाह रही हूँ कॉमन साथ है, तो एक सॉन्ग सुन लें, उसके बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं. सॉन्ग तो हमें मोटिवेट करता है. केड़ो सॉन्ग है कॉमन? सॉन्ग आहे तुझी कावड़ में अकुर्ब घणो तुझो प्यार अलाए छांदो जेके भी मुके दिसन पे स्क्रीन ते उनन के डेडिकेट करना. जबरदस्त. कावड़ में आकुर्ब घणो तुझो प्यार अलाए छाहूं दो तुझो प्यार अलाए छाहूं दो तू परते में भी डाठो ठही दीदार अलाए छाहूं दो दीदार अलाए छाहूं दो तुझी कावड़ में आकुर्ब घणो तुझो प्यार अलाए छाहूं दो तुझो प्यार अलाए छाहूं दो साखिली नकी चपड़ा चोरी के सागाल करी नकी के है साखिली नकी के है सामिली नकी चपड़ा चोरी के सागाल करी हर वक्त सजन खामोश रही इजहार अलाए छाहूं दो इजहार तू परदे में भी डाढ़ो ठही दीदार अलाए छाहूं दो दीदार अलाए
तू खामोश रही रुगो दिसंदो रही कुछ की न पुछी हर सवाल ते तू खामोश रही रुगो दिसंदो रही कुछ की न पुछी तुझो आर लाए चाहूंदो तुझो आर लाए चाहूंदो तुझो आर लाए चाहूंदो तू परदे में भी डाढो ठही इज़हार लाए चाहूंदो इज़हार लाए चाहूंदो शर्त शुरूत जी आए गदा वयो अब्द विकामी तो वटवा बिना शर्त शुरूत जी आए गदा तुझी नहकर में भी लुत्फ मिठा इकरार अलाए चाहूं जबरदस्त ऐसा गल है रहा हुआ सी डिफरेंट टॉपिक्स थे बट म्यूजिक अड़ी शे जो तक एनर्जी दई छो आवाज़ सुठो हो कोमल वांग अधिक मज़ो इंद तो चाहिंदी आया तो डिफरेंट सिंगर्स के असा इतने घुरायूँ अस धरती जो टैलेंट है असा ये ही मूँ जो सुे असा स्टार्स अज असा इमर्जिंग स्टार्स में चई सी त जबरदस्त कचहरियों गाल हली रही है खालदा भी असन तो पुछंदस फेल्यूर ते गालो मु फेल्यूर पे बात कर रही थी जी, जी। सक्सेस का हिस्सा होती है फेल्यूर हम उसे अलग कर देते हैं बुरा तजर्बा जो है वो हमें सबक सिखाता है बिल्कुल और हम उस सबक को अहमियत नहीं देते हम कहते हैं सक्सेस नहीं है फेल्यूर जो है वहाँ पर मायूस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा नहीं मायूस नहीं होना चाहिए मुझे भी बहुत फेलियर आए लेकिन ये फेलियर्स को याद कौन रखता है जो सक्सेस नहीं हो पाते बाद में ये जो डिज़र्ट होकर छोड़ देते हैं मुझे भी बहुत सारे फेलियर आए एक ये ऐसी बात नहीं है बहुत जगह लेकिन जीतने का जो जज्बा था ना वो ज़्यादा था मेरा हारने की मैंने कभी उसको दिल पे लिया ही नहीं मैंने बहुत जगह ऑर्डर हाथ में आया निकल गया बिकॉज किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी कर दी उसने जो हमने प्राइस दिया था उसने उससे कम करके दे दिया जो इल्लीगल था लेकिन हो गया ऐसा लेकिन आई डिडंट टेक इट दैट सीरियसली सीरियस जब आप फेलर को बहुत सीरियस लेंगे ना तब आप में डिप्रेशन या आप में ना डिजार्टनेस आ जाता है तो फेलर आपको मोटिवेट करता है आपको नया जज्बा देता है आप थोड़ी देर के लिए तो हर्ट होते हो बट सेकेंड मोमेंट वंस यू थिंक इट नो वट वॉज द रीज़न बिहाइंड इट Then you think, oh, this was the reason. I should overcome it. आप next moment में खड़े हो जाते हैं with नए वलवले with नए जज्बे के साथ ये होना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ था मेरी फैमिली की बहुत मोटिवेशन है मेरे साथ मैं बाद में मेरे छोटे भाई वो पढ़ते भी थे he just passed his A level. Then he came and he joined me. तो उसके आने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि जो मैं काम नहीं कर पा रही थी बहुत सारे काम होते थे रुक जाते थे लेकिन बिकॉज व्हेन ही ज्वाइन मी देन वी डिड इन ए बिगर वे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं बाहर में मेरे बहुत टूर होते थे मैं बहुत जगह जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट टू मीट ए बायर इन यूके फर्स्ट टाइम एंड दैट टाइम आई वाज 27 इयर्स ओल्ड बिल्कुल यंग और मेरी फ़ोन उस वक्त ये नहीं थे ना मोबाइल थे तो फैक्स हुआ करती थी तो फैक्स के ज़रिए या टेलीफोन डायरेक्ट किया करते थे तो जब मैं फ़ोन पर रब्ता करती थी तो मेरी बातें इतनी मेच्योर होती थी जब मैं उधर गई बिलीव मी
उनका ऑफिस था सेंट्रल लंदन में एशले स्ट्रीट, अभी भी याद है मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यू कम दिस वे, तो मैं जब गई, बिलीव मी ही वाज सो मच सरप्राइज। उसने सोचा कि पाकिस्तानी लेडी तो डेफिनेटली 45-50 की होगी, और जब उसने मुझे देखा तो मुझे कितनी देर वो सिर्फ अप्रिशिएट ही करते रहे। आई थॉट यू मस्ट बी ए लेडी अबव 45, द वे यू यूज टू टॉक टू मी, सो मैच्योर, सो मच थिंग दिस दैट। मैं खुद हैरान होगी कि मैं, मुझ में इतना कैलिबर था क्या। और यकीन करें कि काफ़ी हमारे पास नौजवान बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत मैच्योर है, लेकिन वक्त भी मैच्योर कर देता है और जिम्मेदारियां भी मैच्योर कर देती, लेकिन उनको ना हमारी फैमिली से, देखिए सबसे पहले आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करे कि नहीं आप आगे बढ़ो, फैमिली की सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। फैमिली की सपोर्ट, देखिए आप ये नहीं कि आप उनको फाइनेंस दें, आप उनको सपोर्ट, अगर वो कहीं जा रहा है ना, आप उसको कहें कि हाँ बेटा आगे जाओ, हाँ सही है जाओ, नहीं ठीक है तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको ना, फिर ये भी है कि आपको भी पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट्स क्या है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड या मेरा कल्चर क्या है। तो मैं जब गई, आप यकीन करें, फर्स्ट टाइम बिकॉज आई वॉज सो यंग, बिकॉज ही सॉ कि मैं इतने तरीके से हर चीज़ मेरे साथ मौजूद थी, प्राइजिंग दिस दैट मर्चेंडाइजिंग, ही वॉज सरप्राइज टू सी मी। उसने मुझे कहा कि टेस्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ योर योर कैलिबर एंड योर एफर्ट्स आई एम गिविंग यू 3,500 dozens ऑर्डर। ये बहुत बड़ा ऑर्डर था मेरे लिए, आप यकीन करो मैं तो कितनी देर तक बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करती। अच्छा, कितनी लड़कियां आज आपको देख रही हैं, आप उनको कैसे कहेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ, क्या कर सकती हैं घर पे बैठ के? देखिए लड़कियां, कुदरती बात है, बचपन से एक थोड़ा सा एक माँ बाप की तरफ से भी मोटिवेशन होता है कि बेटा आप आगे बढ़ो, आप पढ़ो, आप हम आपके साथ हैं। फिर जब लड़कियाँ कॉलेज में होती हैं तो उनको उसी वक्त से अपना एक डिसाइड कर लेना चाहिए कि यस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एम आई गोइंग टू डू जॉब। बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं कुछ नहीं जो कर पाती, वो कहती हम टीचर बन जाएंगी। मैंने ज़िंदगी में कभी टीचर बनने का नहीं सोचा, कभी डॉक्टर बनने का नहीं सोचा, बिलीव मी ये दोनों चीज़ों से मुझे कोफ थी। तो जो भी लड़कियाँ चाहती हैं उनको उसी वक्त से अपने आप को ना बिगनिंग लें और तैयार करें अपने आप को। फिर आजकल तो एक बहुत, पहले तो होता था कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो फिर यू कैन स्टार्ट समथिंग व्हाट एवर यू वांट, बट अभी आजकल बहुत फ़ायदे हो गए हैं। आजकल यूनिवर्सिटी, एकेडमिया एंड बिजनेस इंडस्ट्री ये आपस में ना कोलाब्रेशन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। वो क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स फारिग होते हैं उनको वो बुलाते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनको बताते हैं, तो वो जो लड़के लड़कियां काम करते हैं ना, दैट टाइम दे लर्न एंड दे अर्न समथिंग ऑल्सो। फिर जैसे वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, दे नो कि मुझे टेक्सटाइल में जाना है, डिज़ाइनिंग में जाना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, मुझे उसमें जाना है, जो वट एवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, फील्ड सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक थिंग कि मुझे बड़े होके क्या बनना है। ज़बरदस्त, हमारा टाइम जो है वो इख्तिताम पे पहुंचा है, प्रोग्राम का बहुत मशहूर हूँ खालदा, आपने हमें टाइम दिया है, कोमल जा भी थैंकफुल आयो तमाम भई अस गड हुआ अज ज़बरदस्त सॉन्ग एक एंड में बुधासी कोमल जो सॉन्ग है वो डेडिकेट करना सी संजे सभी व्यूवर्स के जे धरती जो सुबह प्रोग्राम दिसन था ता सभी के डेडिकेट करना सी नाजरीन जबरदस्त सॉन्ग है इनन जो जो है कल्चर जे हवाले से जी हां कल्चर जे हवाले से कल्चर के इंशाल्लाह असब जल्दी यो कल्चर डे अचन वारो तो पानी ईद वांगर सेलिब्रेट करना सी उम्मीद करते ता अस गजी सेलिब्रेट कंदो धरती टीवी जा प्रोग्राम दिसजो एंजॉय कजो असा के बुधाए जो जरूर तो केड़ा प्रोग्राम असा के करन खपन कल्चर डे ते केड़ी स्पेसिफिक स्पेशल शे है जका ता दिसन चाहो इतने मुख्य मुझी सदके सजी टीम के दींदा इजाजत इंशाल्लाह सुभाने सानी मुलाकात थींदी जबरदस्त गालियों जबरदस्त मेहमान नयो कचारी होंदियो बट इतने मुख्य मुझी सदके दींदा इजाजत अल्लाह भाई जी कोमल सिंध मिठी जड़िया जिंद मिठी तेड़िया सिंध मिठी ओ गोरा साह सिंध ने लाए जियो जी।